नमस्कार। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 7th न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। यू हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल्स कैन नॉट। आप ये चैप्टर 1 में पहले ही पढ़ चुके हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में कि जो प्लांट्स हैं वो तो अपना खाना खुद बना लेते हैं लेकिन एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। एनिमल्स अपना खाना प्लांट्स से प्राप्त करते हैं ईदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। या तो जो एनिमल्स हैं वो प्लांट्स को खाते हैं या फिर जो एनिमल्स हैं वो उन एनिमल्स को खाते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं। तो इसीलिए हम ऐसे कह सकते हैं कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो एनिमल्स हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। अपने खाने के लिए वो प्लांट्स के ऊपर निर्भर हैं। रिकॉल दैट ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। एक बार याद करने का प्रयत्न कीजिए कि एनिमल्स जिसमें इंसान भी आता है उसको खाने की जरूरत होती है ग्रोथ के लिए रिपेयर करने के लिए अपनी बॉडी को और प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। बॉडी में अलग अलग फंक्शंस लगातार परफॉर्म होते रहते हैं उन सभी को जारी रखने के लिए जो भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है वो हमको खाने से मिलती है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन बॉडी। एनिमल न्यूट्रिशन में क्या क्या आता है हम क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट पहला तो पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड एनिमल्स को कौन कौन से न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं। सेकंड हम पढ़ेंगे कि उसका मोड क्या है मोड टू इनटेक द फूड फूड को कैसे वो अंदर लेते हैं। सेकंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी बॉडी में उस न्यूट्रिएंट की उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की क्या यूटिलाइजेशन है क्या जरूरत है जैसे फैट की क्या जरूरत है कार्बोहाइड्रेट की क्या जरूरत है प्रोटीन की क्या जरूरत है ये सब पढ़ेंगे। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मेनी कंपोनेंट्स ट्राई टू रिकॉल द लिस्ट ऑफ दीज कंपोनेंट्स। आपने क्लास 6 में पहले ही पढ़ा हुआ है कि फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं एक बार उनकी लिस्ट बनाते हैं। ठीक है बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स होता है फैट्स होता है बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स एंड फूड एंड फैट्स आर एनर्जी गिविंग फूड। देन प्रोटीन होता है प्रोटीन इज बॉडी बिल्डिंग फूड। देन विटामिन एंड मिनरल होते हैं दे हेल्प इन इम्यूनिटी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। मिनरल्स होते हैं रफेज होता है वाटर होता है दीज ऑल आर द न्यूट्रिएंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ द फूड व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन बॉडी। द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच। कार्बोहाइड्रेट्स एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का क्या मतलब है ऐसा सब्सटेंस जिसको हमारी बॉडी डायरेक्टली उसी वे में इस्तेमाल नहीं कर सकती उसको चेंज करके उसको रिएक्ट करके उसमें कुछ कुछ रिएक्शन करके जब वो बदल जाता है कार्बोहाइड्रेट किसी ऐसी फॉर्म में जिसको हम ग्रास्प कर सके हम इस्तेमाल कर सके तभी वो इस्तेमाल कर सकती है। तो हम सिंपलर उसको कहते हैं जिसको हमारी बॉडी इस्तेमाल कर सकती है डायरेक्टली और कॉम्प्लेक्स उसको कहते हैं जिसको हमारी बॉडी डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकती है। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड फूड के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हम सिंपलर में ब्रेक करते हैं। देखो भाई इन्होंने यहाँ पे इसका एक डायग्राम दे रखा है कॉम्प्लेक्स को सिंपलर में कन्वर्ट किया हुआ है ना अगर आपको दिखे तो अभी दिखाता हूँ। ये रहा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं आपस में मिले हुए हैं सारे के सारे जुड़े हुए हैं
और सिंपलर है, हमने उनको ब्रेक कर दिया है सिंपलर सब्सटेंस में, यानी छोटे छोटे ऐसे सब्सटेंस में जिसको हमारी बॉडी इस्तेमाल कर सकती है। तो ये एक डायग्राम है जिससे आपको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस और सिंपलर सब्सटेंस का पता चलेगा। कॉम्प्लेक्स वो जिसको हमारी बॉडी इस्तेमाल नहीं कर सकती है, जिसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही जटिल है, बहुत डिफिकल्ट है, और सिंपलर सब्सटेंस जिसको हमारी बॉडी इस्तेमाल कर सकती है उसका स्ट्रक्चर भी सिंपलर होता है, छोटे छोटे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सिंपलर सब्सटेंस, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर इज कॉल्ड डाइजेशन। जो डाइजेशन होता है हमारी बॉडी में, यानी कि खाने को पचाना, ये तो आपको पता होगा डाइजेशन क्या होता है, खाने को पचाना क्या होता है। तो जो डाइजेशन होता है उसका मतलब क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, जो जटिल सब्सटेंस है जिनको हमारी बॉडी एज इट इज इस्तेमाल नहीं कर सकती है, उसको हम हमारी बॉडी डाइजेशन प्रोसेस द्वारा सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देती है और इस्तेमाल कर लेती है। फिर डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, खाना ग्रहण करने के अलग अलग तरीके। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीके से खाना प्राप्त किया जाता है। बीज एंड हमिंग बर्ड सक द नेक्टर ऑफ द प्लांट। जो बीज होती हैं या हमिंग बर्ड्स होते हैं वो फूलों के ऊपर से क्या करते हैं, वो पराग कणों को कलेक्ट करते हैं, तो वो नेक्टर को कलेक्ट करते हैं, उससे बीज हनी बनाती हैं और हमिंग बर्ड उसको खा लेते हैं। हमिंग बर्ड आपने देखे होंगे, छोटे छोटे पक्षी होते हैं, वो ऐसे फूलों के ऊपर मंडराते रहते लंबी चोंच वाले, और अंदर से फूलों के नेक्टर को कलेक्ट करते हैं, है ना। और मधुमक्खियों के बारे में तो आपको पता ही होगा, तो हम थोड़ी ऐसे कर पाते हैं, हम कर पाते हैं ऐसे फूलों के ऊपर से नेक्टर कलेक्ट नहीं, तो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग है, हमारा अलग है। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमंस एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। जो नवजात शिशु होते हैं, नवजात शिशु मतलब अभी अभी पैदा होने वाले छोटे बच्चे, वो छोटे बच्चों के लिए खाना क्या होता है, मदर्स मिल्क, माँ का दूध। ऐसे ही ह्यूमंस वाले में भी और कुछ जानवरों में भी, है ना, दोनों में ही ऐसे होता है। स्नेक्स लाइक पाइथन स्वेलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। जो स्नेक होते हैं जैसे कि अजगर, पाइथन, वो क्या करते हैं, पहले निगल लेते हैं अपने शिकार को, उसके बाद स्वेलो करते हैं, अंदर पचाते हैं धीरे 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 करके, है ना। स्वेलो का मतलब उसको अपने जो भी उसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस हैं उसमें डुबो के रखना, जिससे वो फिर सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए। तो वो पहले बिना चबाए हुए सीधा निगल जाते हैं, फिर बाद में उसको स्वेलो करते हैं। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। कुछ एक्वेटिक एनिमल यानी कि पानी में रहने वाले जानवर, वो क्या करते हैं, उनके आसपास ऐसे पार्टिकल छोटे छोटे तिनके तैर रहे होते हैं पानी में, तो वो उन तिनकों को फिल्टर करते हैं, और फिल्टर करने के बाद पानी को अलग कर देते हैं, उन तिनकों को खा लेते हैं, तो ऐसे वो खाना प्राप्त करते हैं। तो हर एक का जो न्यूट्रिशन है मोड वो अलग अलग है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगला एक्टिविटी 2.1, एक्टिविटी 2.1 में क्या कहा है, व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ फॉलिंग एनिमल्स व्हाइल राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल। ये टेबल यहाँ पे दे रखी है, मैं आप लोगों को इस चैप्टर की पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आप उसको खोल के और ये टेबल भर के मेरे को दे देना, है ना, भेज देना होमवर्क में। हाउ यू फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड ऑफ फीड ऑफ गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल। कौन से जानवर कैसे चलते हैं अलग अलग तरीके से, कैसे अलग अलग तरीके से खाना खाते हैं, वो सब आपको इसमें भरना है। फिर है अमेजिंग फैक्ट अबाउट स्टारफिश। स्टारफिश आपने देखी होगी, स्टार जैसी शेप की होती है ना, मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ इसके साइज को जिससे आप लोग देख सको स्टारफिश, है ना। वैसे भी आप लोगों ने स्टारफिश देखी रखी होगी कार्टून वगैरह में, ये काफी पॉपुलर होती है, जब भी बीच का सीन आता है तो स्टारफिश देखी जा सकती है वहां पर। ये आपको समुद्र तट पे आराम से मिल जाएगी स्टारफिश।
ये होती है ऐसी, है ना, ये स्टारफिश है। दिस इज स्टारफिश। तो स्टारफिश अपने खाने को कैसे पचाती है, कैसे डाइजेस्ट करती है? ये जो बीच में है ना, ये स्टारफिश का पेट है, ना इस बात का ध्यान रखना। तो स्टारफिश अपने खाने को कैसे पचाती है उसको देखते हैं। स्टारफिश फीड ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आफ्टर ओपनिंग द शेल्स द स्टारफिश पॉप्स आउट इन इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ ऑफ ईटिंग एंड सॉफ्ट एनिमल्स इन साइड द शेल। द स्टमक देन गोज बैक इन टू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। जो स्टारफिश होता है बीच में उसके, जहां से स्टार शुरू होते हैं वहां पे उसका मुंह होता है, वो मुंह खोलती है और उस मुंह में से पेट निकल के आता है। मुंह में से क्या निकल के आता है? पेट, यानी कि स्टमक। और फिर जो हार्ड शेल वाले जानवर होते हैं जैसे शंख, सिप्पी, ये सब है ना, शेल्स वाले जानवर, तो उनके शेल्स को खोलती है, खोल के अंदर से सॉफ्ट जानवर को खा लेती है। खाने के बाद उसका स्टमक वापस मुंह के अंदर चला जाता है। तो ये बहुत ही स्ट्रेंज प्रोसेस है स्टारफिश का। बीच में उसका मुंह होता है, मुंह खोलती है, उसमें से स्टमक निकल के आता है, यानी कि जो मुंह है उसके, जो माउथ है उसके अंदर ही स्टमक है, वो ही स्टमक है, वो ही पेट है स्टारफिश का। अब देखते हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस, यानी कि इंसानों में डाइजेशन का क्या हिसाब किताब है। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, हम माउथ से खाना प्राप्त करते हैं, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, फिर उसके बाद डाइजेस्ट करते हैं उसको। हमने देखा था डाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर में कन्वर्ट करते हैं, है ना, और फिर उसको यूटिलाइज करते हैं। यूटिलाइज मतलब यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ फूड आर डिफेक्टेड। हैव यू एवर वंडर्ड दैट व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड द बॉडी? तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं और जो डिफिकेटेड मटेरियल होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसको हमारी बॉडी इस्तेमाल नहीं करती, उसको निकाल देती है वापस, है ना। आप लोगों को पता है ना, जो फेकल मैटर होता है, जो ऐसा मैटर होता है वेस्ट, जिसको हम डंक भी बोलते हैं, पॉटी भी बोलते हैं, उसकी फॉर्म में निकाल दिया जाता है, है ना, डिफिकेटेड मेथड। तो उसको निकाल देते हैं। द फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल, जो खाना है, जो फूड है, वो एक कंटिन्यूअस कैनाल द्वारा पास किया जाता है। कंटिन्यूअस कैनाल मतलब लगातार एक पाइप की तरह जो काम करता है, है ना, उसको कंटिन्यूअस कहते हैं। विच बिगिंस एट द बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस, जो बकल कैविटी से शुरू होती है पाइप हमारे मुंह के अंदर से, है ना, और एनस पे, नीचे एनस जहां होता है वहां पे खत्म होती है। अभी मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम दिखाऊंगा, पहले टर्म्स सुन लो सारी। तो बकल कैविटी से हमारी जो कंटिन्यूअस कैनाल है वो शुरू होती है और एनस पे खत्म होती है। कंटिन्यूअस कैनाल का ही मतलब है एक पाइप है जो कंटिन्यूअस है, लगातार है। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपोनेंट्स। अब जो कैनाल है, जो पाइप है, उसका साइज हर एक जगह एक जैसा नहीं है, अलग अलग है उसका साइज, कहीं पे कैसा है, कहीं पे कैसा है। तो जो हमारा वो कैनाल है कंटिन्यूअस, तो उसमें फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो है बकल कैविटी। वो क्या है? बकल कैविटी। फिर उसके बाद है ईसोफेगस। ईसोफेगस को हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं। बकल कैविटी हमारे मुंह का हिस्सा होता है, फिर उसके नीचे जब हम जाते हैं तो फूड पाइप या ईसोफेगस होता है, है ना। फिर उसके बाद आता है स्टमक। स्टमक मतलब पेट, पेट आता है स्टमक। उसका साइज ऐसे ही मोटा सा होता है। तो जो पाइप है,
जैसे हमारे आम पाइप होते हैं कूलर के या दूसरे पाइप जो होते हैं उनका सबका एक जैसा साइज होता है, लेकिन यहाँ पे सबका अलग अलग साइज होता है। पाइप कहीं से ऐसा पतला है, कहीं से मोटा है, फिर दोबारा पतला है, फिर ऐसा है, तो ऐसे हर एक का अलग अलग साइज होता है। सबसे पहले बकल कैविटी आती है, यानी कि हमारा मुंह, फिर उसके बाद इसोफेगस आता है, फिर उसके बाद स्टमक आता है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत और लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो रेक्टम रेक्टम के बाद मतलब खत्म हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो रेक्ट पहले स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर रेक्टम है, फिर उसके बाद एनस है, और एनस के बाद हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो जाता है। दीज पार्ट्स टूगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल। जो अभी हमने कंटिन्यूस कैनाल देखी थी है ना, उसका साइंटिफिक नेम है एलिमेंट्री कैनाल। क्या है उसका साइंटिफिक नेम? एलिमेंट्री कैनाल। और साथ में इसको डाइजेस्टिव ट्रैक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव ट्रैक। द फूड कॉम्पोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स। ये जो कैनाल है पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल, इसके अंदर से जो हमारा खाना है, जो हमारा फूड है, वो अलग अलग कंपार्टमेंट से होके जाता है। हमने देखा है ना, पहले तो बकल कैविटी है, फिर ईसोफेगस है, फिर स्टमक है ना, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, एनस है, तो इन सभी जगहों से होके जाता है। और साथ साथ अलग अलग कंपोनेंट्स जो फूड के होते हैं वो डाइजेस्ट होते जाते हैं। द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद कैनाल सच एज सिलिवरी ग्लैंड एंड लिवर एंड पैनक्रिया सिक्रीट्स डाइजेस्टिव जूसेस। जो हमारी वेरियस ये जो स्मॉल ये जो स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हैं, ये सारे के सारे, और साथ में पेनक्रियाज होते हैं, लीवर होता है, सिलेवरी ग्लैंड होता है, ये सारे के सारे किससे जुड़े हुए होते हैं? हमारी एलिमेंट्री कैनाल से जुड़े हुए होते हैं, और उसमें ये डाइजेस्टिव जूसेस सप्लाई करते हैं। डाइजेस्टिव जूसेस का क्या मतलब है, एक बार समझ लो। जैसे मान लो कि आपके पास एसिड है, एसिड के अंदर आपने कोई सामान डाला तो वो थोड़ी देर में गलना शुरू हो जाएगा है ना, और छोटे छोटे से अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जो कौन कौन सिक्रीट करता है, सिलिवरी ग्लैंड या सिलाइवरी ग्लैंड कहते हैं उसको, आपके मुंह में सलाइबा सिक्रीट होता है ना, ऐसे सिलिवरी ग्लैंड होता है, तो उस सिलिवरी ग्लैंड के अंदर से सलाइबा निकलता है, जो थूक निकलता है मुंह के अंदर जीभ के नीचे से है ना, और यहां से भी निकलता है, तो उसको हम सलाइवा कहते हैं, एंड इट सिक्रेटेड फ्रॉम सिलिवरी ग्लैंड। एंड लिवर होता है, लिवर भी डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करता है। हमारे पेट के अंदर पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज भी डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करता है। ये अलग अलग टाइप के डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करते हैं फूड के अलग अलग कॉम्पोनेंट्स को कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में ब्रेक करने के लिए। क्या करते हैं? ये अलग अलग टाइप के डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करते हैं फूड के अलग अलग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर में ब्रेक करने के लिए। कौन कौन से डाइजेस्टिव जूसेस हैं? सलाइवा है जो सिलिवरी ग्लैंड करता है, फिर पेनक्रियाज है ना, आप लोगों ने इंसुलिन सुना होगा है ना, इंसुलिन जो डायबिटीज कह रहा हूँ है ना, जो शुगर के मरीज, जो डायबिटीज के मरीज होते हैं वो लेते हैं ना इंसुलिन, तो उनका ऑटोमेटिकली इंसुलिन नहीं बनता। इंसुलिन कौन बनाता है? पेनक्रियाज बनाता है। जो मीठा खाते हैं उसको काउंटर करने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, तो हमारे पेट में पैनक्रियाज होता है, वो उसको बनाता है। पैनक्रियाज इंसुलिन के अलावा और भी दूसरे डाइजेस्टिव जूसेस बनाता है। तो वो एग्जाम्पल था एक, तो ऐसे ही वो अलग अलग जो जूसेस हैं वो मिलके हमारे फूड के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर में कन्वर्ट करते हैं। और ये जूसेस कौन कौन सीक्रेट करता है? सिलिवरी ग्लैंड, सलाइवा है ना, पैनक्रियाज और लिवर, ये सभी जूसेस सिक्रीट करते हैं। और कहाँ पे सिक्रीट करते हैं? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू होती है हमारी? बकल कैविटी से। कहाँ से? बकल कैविटी यानी कि हमारे मुंह के अंदर से। हमारा मुंह बकल कैविटी है, तो बकल कैविटी है, फिर उसके बाद बकल कैविटी के अंदर ही हमारे सिलिवरी ग्लैंड है, वो थूक को हम मिक्स कर देते हैं। थूक मतलब जो सलाइवा होता है, उस सलाइवा को
हम मिक्स कर देते हैं खाने में तो वो स्वेलो हो जाता है। फिर उसके बाद हम अंदर जाता है हमारे खाना इसोफेगस फूड पाइप, इसोफेगस के बाद फिर स्टमक में जाता है ना, फिर स्टमक में जाने के बाद वहीं पे ही साइड में लिवर गोल ब्लैडर ये सब होते हैं, ये भी अपने जूसेस सिक्रीट करते हैं, पेनक्रियाज होते हैं वो भी जूसेस सिक्रीट करते हैं। लेकिन एलिमेंट्री कैनाल में स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन होता है, फिर रेक्टम होता है, फिर एनस होता है। ये जो लिवर गोल ब्लैडर स्टमक और सिलिवरी ग्लैंड्स हैं ये सारे जूसेस सिक्रीट करने का काम करते हैं। और कहाँ पे जूसेस सिक्रीट करते हैं? ये एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हमारा डाइजेशन परफॉर्म होता है। तो मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम दिखा देता हूँ और उसको समझा देता हूँ। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। सबसे पहले मुंह है बकल कैविटी, फिर उसके बाद है सिलिवरी ग्लैंड, फिर है इसोफेगस। इसोफेगस की स्पेलिंग ओ से शुरू होती है। इसोफेगस के बाद है हमारा लिवर गोल ब्लैडर। लेकिन लिवर और गोल ब्लैडर जो है ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट नहीं है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट है। एलिमेंट्री कैनाल तो पाइप है एक, और वो पाइप आगे जाके ऐसे मोटा हो जाता है और स्टमक बन जाता है, है ना। ये जो लीवर गोल ब्लैडर और पैनक्रियाज आपको दिख रहे हैं, ये रहा है ना लीवर, ये तो हमारा लीवर है ना, ये गोल ब्लैडर है और ये पैनक्रियाज है। ये क्या करते हैं लीवर गोल ब्लैडर और पैनक्रियाज? ये तीनों डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं, है ना, और उसको एलिमेंट्री कैनाल में भेज देते हैं। फिर एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन परफॉर्म होता है। डाइजेस्टिव जूसेस का क्या मतलब है वो भी मैं आपको बता चुका हूं, जैसे मैंने एसिड का एग्जांपल दिया था, है ना। फिर स्टमक के बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आता है। ये दिख रहा है ना आपको ऐसे यूं 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 छोटा 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 सा ऐसे पाइप मुड़ा हुआ सा, तो इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो ऐसे बड़ा सा ऐसे जा रहा है ना, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन है हमारा। फिर उसके बाद जहां पे लार्ज इंटेस्टाइन खत्म हो जाता है ऐसे उसमें नीचे ये रहा, ये है रेक्टम, और रेक्टम के बिल्कुल नीचे जहां से निकल रहा है सब वो है एनस। ये रहा एनस। तो ये हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, है ना। याद करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले क्या होता है बकल कैविटी, बकल कैविटी के बाद क्या होता है इसोफेगस, इसोफेगस के बाद क्या होता है स्टमक, स्टमक के बाद क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद क्या होता है रेक्टम, रेक्टम के बाद क्या होता है एनस। और जो डाइजेस्टिव जूसेज है वो कौन कौन सिक्रीट करता है? सिलीवरी ग्लैंड सिक्रीट करता है सलाइवा, है ना। फिर उसके बाद लिवर सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव जूसेस, और कौन सिक्रीट करता है पैनक्रिया सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव जूसेस, गोल ब्लैडर सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव जूसेस। और ये सभी डाइजेस्टिव जूसेस का क्या काम होता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर में कन्वर्ट करने का काम होता है। मैं देख लूं कितना टाइम बचा है। सिक्स मिनट लेफ्ट है ना, छह मिनट का और बचा है हमारा, उसको पढ़ लेते हैं। और द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो ग्लैंड्स होते हैं यानी कि जो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं वो, और साथ में हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक। डाइजेस्टिव ट्रैक को हम और क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या नाम है डाइजेस्टिव ट्रैक के? एक तो डाइजेस्टिव ट्रैक कह सकते हैं उसको, एक एलिमेंट्री कैनाल कह सकते हैं उसको, एक कंटिन्यूस कैनाल कह सकते हैं, है ना। तो ये सभी एक ही है ना, जो बकल कैविटी से शुरू होती है और एनस तक जाती है ये, और साथ में ग्लैंड्स। कौन कौन से ग्लैंड्स हैं दोबारा देखो, पैनक्रियाज है, लिवर है, सिलिवरी ग्लैंड है और गोल ब्लैडर है। ये सभी मिलके क्या करते हैं,
डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, सारे के सारे ग्लैंड्स और साथ में जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है वो, ये सभी मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपेंड टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक। अब डाइजेस्टिव ट्रैक के अलग अलग पार्ट्स के अंदर खाने के साथ क्या होता है वो पढ़ते हैं। फूड इज टेकन इन टू द बॉडी थ्रू द माउथ, मुंह के जरिए खाना बॉडी के अंदर जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन टू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन कहा जाता है प्रोसेस को जिससे हम खाने को अंदर लेते हैं, तो यानी कि खाना खाने के प्रोसेस को साइंटिफिक टर्म में हम इंजेशन कहते हैं। इन मतलब अंदर, अंदर लेना, इंजेक्ट करना। वी च्यू द फूड विद द हेल्प ऑफ टीथ, ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस, ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। अवर टीथ वेरीज इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स। जो हम इंजेशन करते हैं, अंदर लेते हैं खाना, उसमें क्या होता है कि हमारे पास टीथ का सेट होता है, वो टीथ का सेट मैकेनिकली ग्राइंड करता है, हम च्यू करते हैं, च्यू मतलब चबाते हैं, हम च्यू करते हैं खाने को स्मॉलर पीसेस में, और फिर जो हमारे रूट्स होते हैं, जो हमारे टीथ होते हैं उनके जो रूट्स होते हैं वो अलग अलग सॉकेट में होते हैं, यानी कि एक साथ पूरा का पूरा जबड़ा नहीं होता हमारा, अलग अलग टूथ का अलग अलग सॉकेट होता है जिसके अंदर वो फिट होता है, और अलग अलग टूथ अलग अलग टाइप का होता है, तो इसीलिए उनके नाम भी अलग अलग है, जो फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंगली उनके नाम है, है ना। तो एक बार देख लेते हैं क्या है टूथ और उनके क्या क्या नाम है। ये रहे हमारे टीथ और इनके नाम। सबसे आगे से देखना शुरू करते हैं। सबसे आगे के जो चार टीथ हैं हमारे, नीचे वाले ये है ना और ऊपर वाले, इनको हम बोलते हैं इनसीजर्स। क्या बोलते हैं? इनसीजर्स। ये क्या काम करते हैं? ये बाइटिंग का काम करते हैं, यानी कि काटने का काम करते हैं, जैसे हम एप्पल बाइट करते हैं तो ये उसका काम करते हैं। फिर उसके बाद ये नोकीले दांत है ना, उसके बाद वाले नोकीले, ये ऊपर नीचे कईयों के ज्यादा होते हैं कईयों के कम होते हैं नोकीले, जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनके ज्यादा होते हैं, ह्यूमन कार्निवोरस नहीं होता है तो इसीलिए उसके कम होते हैं, उनको कहते हैं कैनाल्स, सॉरी उनको कहते हैं कैनाइंस, गलती से मुझे कैनाल निकल गया, उसको कैनाइन कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कैनाइन के बाद होते हैं, कैनाइन किस लिए काम करता है? वियर एंड टियर के लिए, उखाड़ने के लिए, ऐसे काटने के लिए, किसको काटने के लिए और उखाड़ने के लिए काम करता है? मांस को कैनाइन, या कोई भी ऐसी चीज जो काफी ज्यादा टाइट हो उसको। तो ह्यूमन के कैनाइंस बड़े नहीं होते हैं, दिस शोज दैट ह्यूमन इज नॉट कार्निवोरस, ह्यूमंस कार्निवोरस नहीं है क्योंकि कैनाइन बड़े नहीं होते हैं। फिर उसके बाद है प्रीमोलार, प्रीमोलार और फिर प्रीमोलार के बाद है मोलार, जो आपकी दाढ़ होती है जिससे आप क्या काम करते हैं? ग्राइंडिंग का, ग्राइंडिंग मतलब पीसने का काम करते हैं, तो वो है प्रीमोलार और मोलार। तो हमने चार टाइप के टीथ पढ़े हैं, फर्स्ट जो सेट है चार टीथ का उसको हम कहते हैं इंसीजर्स, फिर हम कहते हैं कैनाइंस, फिर कैनाइंस के बाद है प्रीमोलार, फिर प्रीमोलार के बाद है मोलार। ओके, आपने डायग्राम भी देख लिया है, हियर इज योर मोलार। और जो खाना अंदर लेने का प्रोसेस होता है उसको इंजेशन कहते हैं। फिर है एक्टिविटी 2.2, वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ धो, लुक इनटू द मिरर, मिरर में देखो, एंड काउंट योर टीथ, और अपने टीथ को काउंट करो, यूज योर इंडेक्स फिंगर, अपने इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल करो टीथ को काउंट करने के लिए, फील द टीथ, टीथ को फील करो। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड, आपको कितने टाइप के टीथ मिले? टेक अ पीस ऑफ एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट, एक एप्पल का, ब्रेड का, इनका पीस लो और खाओ। विच टीथ डू यू यूज टू बाइटिंग एंड कटिंग, आपने बाइटिंग यानी कि काटने के लिए